भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को मुंबई में खेला गया था। इस मुकाबले में भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे। ऋषभ पंत ने पैट कमिंग्स की गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हेलमेट पर जा लगी और इसके बाद विकेटकीपर ने कैच पकड़ लिया। सिर में गेंद लगने की वजह से ऋषभ पंत वनडे सीरीज के दूसरे मैच से बाहर हो गए हैं। सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर 17 जनवरी को खेला जाएगा। आपको बता दें, मंगलवार को मैच के दौरान मुंबई में पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार की शाम को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, फिर भी उन्हें दूसरे मैच से बाहर रखने का फैसला किया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ऋषभ पंत राजकोट न जाकर नेशनल क्रिकेट अकेडमी बैंगलोर पहुंचे हैं। वहां वे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 19 जनवरी को खेला जाएगा। अगर ऋषभ पंत अंतिम मैच के लिए उपलब्ध होते हैं तो यही टीम के साथ जुड़ जाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी में पहले मैच में केएल राहुल ने विकेट कीपिंग की थी, दूसरे मैच में भी उन्हें ही ये जिम्मेदारी मिल सकती है। उनके अलावा केदार जाधव भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, उन्होंने आईपीएल में काफी कीपिंग की है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट में अपने व्यूज लिखकर हमें जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।